This is where, like, I don't want to blame, just even this बोर्ड और जस्ट दिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बाकी भी क्रिकेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो लोग, पाकिस्तान में तो इसको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, इनको क्यों दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, ये हमेशा इसी पे बात खत्म हो जाती है. बट ये है कि भाई, अगर इनको पैसे दे रहे हैं, व्हाट इज द रिटर्न दैट वी आर गेटिंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट यू सपोज टू सी. अगर आप हाँ ये सवाल उठाना शुरू करें एंड देन यू लुक एट द बिगर पिक्चर, तो वहां पे इट इज एन अर्जेंट नीड फॉर यू टू सेट अप अ सस्टेनेबल डोमेस्टिक सिस्टम, नॉट जस्ट द PSL. बट डेफिनेटली डोंट मेस विद द वन थिंग दैट्स गोइंग राइट. लाइक जो सबसे बड़ी फौरी की बात है कि चलो वो और कोई एक्नॉलेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट इसलिए भी शायद नहीं कर रहा है क्योंकि PSL एक सक्सेसफुल चीज है 9 साल से. लोग अब भूल जाते हैं, टुक पाकिस्तान द लॉन्गेस्ट आउट ऑफ द मेजर बोर्ड्स टू गेट 80-20 टूर्नामेंट गोइंग, और उसका नतीजा आपको नजर आ रहा था कि आपके प्लेयर्स वर इयर्स बिहाइंड एवरीवन एल्स इन वाइट बॉल क्रिकेट. द PSL केम सडनली, योर टीम कैचेस अप. Now it has brand recognition, it has long-term business partners, it's got more stakeholders. But we what you mentioned in that last episode, कि चेयरमैन जो भी आते हैं उनको इतनी सर्दी है कि 1-1.5 महीने के लिए दे हैव टू शेयर पावर विद अदर स्टेक होल्डर्स, दैट दे सीम टू बी एब्सोल्युटली हॉस्टाइल टूवर्ड्स द लीग, एंड ईच वन ऑफ देम हैज ट्राइड टू फाइंड सम वे टू डिस्ट्रॉय द लीग और एटलीस्ट वीकन द लीग, ताकि वो अपना कोई पेट प्रोजेक्ट सामने लाए. और ये पेट प्रोजेक्ट जो आ भी रहा है उसमें, मतलब कि जस्ट द वेरी फैक्ट कि पहली चीज हमें ये पता चली है कि इतनी ज्यादा रकम, जो पाकिस्तान के पास पैसे है ही नहीं, इतनी ज्यादा रकम इतनी फजूल चीज में खर्च हो रही है. अगर ये कहते कि जी दे स्पेंडिंग $3 मिलियन ऑन गेटिंग न्यू ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, आई वुड हैव स्टिल फेल्ट कि दैट्स मे बी नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, बट श्योर लॉन्ग टर्म कोई किसी किस्म की तो सोचो, कुछ तो रिटर्न इसका आएगा. आप अगर मतलब $3 मिलियन की पिचेस कहीं नहीं करवा रहे हैं, या वुमेन्स क्रिकेट, या रूरल एरियाज में, व्हाटएवर व्हाटएवर, देयर सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट डेस्परेटली नीड्स इन्वेस्टमेंट. द सैलरीज ऑफ 5 मेंटर्स हू हैव, एंड मे बी इफ यू हैड देम एज कोचेस, आई वुड स्टिल बी लाइक फाइन, एंड मे बी इट्स अ लॉट, बट श्योर लेट्स गेट, लेट्स यू नो, ठीक है अगर ये आपका रूट है, स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज विद इट, एटलीस्ट कुछ तो जस्टिफिकेशन आती है. यहाँ पे तो आप इनको भी मौका नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी इतनी बड़ी सैलरी हलाल कर सके. सो दैट पार्ट ऑफ इट इज स्केरी, इट्स नॉट जस्ट लाइक अपसेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स स्केरी बिकॉज लाइक आप जब एक दफा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू आर सैडलिंग द बोर्ड विद ऑल दीज ह्यूज डेट्स एंड ऑल दीज ह्यूज लाइक लॉस ऑफ नॉट जस्ट लाइक इनकम बट मे बी लाइक ब्रांड वैल्यू एंड ऑडियंस इंटरेस्ट. लाइक इट्स या इट्स डेफिनेटली अ लॉट वर्स देन लाइक वट एवर द रिजल्ट अगेंस्ट बांग्लादेश और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इन द कमिंग होम सीरीज विल बी. You know, इतनी एक like it's just such a so Mohsin Naqvi is on record earlier in the year March में I think काकुल वाकुल के time पे he said that look ये जो पैसे हैं reserves में PCB के we don't want to just leave them there, we want to spend them, we want to spend them on cricket, I want to spend all of it on cricket, basically words to that effect, and that is fine, you know, because your intent is that you want to improve the game, you use that money to improve the game, of course it's not public money, okay, tax wax पेर मनी नहीं, दिस इज मनी दैट द पीसीबी इज मेड बाय इटसेल्फ, इट्स नॉट लीन्ड ऑन द गवर्नमेंट फॉर मनी और एनीथिंग. आपके पैसे आप जरूर खर्च करें और क्रिकेट की बेहतरी पे आप खर्च करें, लेकिन मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, जितनी भी मैंने कोशिश करी है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 3 टूर्नामेंट्स जो आपने ऐड करें, यार दिस इज ऑलरेडी लाइक फॉरगेट द 3 टूर्नामेंट्स, दिस इज ऑलरेडी योर बिजिएस्ट होम सीजन इन ईयर्स, इन ईयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप बाहर भी जा रहे हैं, PSL को आपने मूव कराया बिकॉज आपकी एक और इंटरनेशनल सीरीज है, उसमें 3 और टूर्नामेंट डालने का क्या तुक है, उससे आप क्या निकाल रहे हैं अदर देन द फैक्ट दैट इट्स अ वैनिटी प्रोजेक्ट. ये देखिए मैंने अंडरपास बना दिया, ये मैंने एक रोड यहां पे बना दी, यहां पे रोड की जरूरत नहीं थी मगर मैंने बना दी है, और ये ब्रिज मैंने बनाया है, ब्रिज के नीचे कुछ है नहीं मगर मैंने बना दिया है, आप देखें मैं क्या काम, मैंने क्या जबरदस्त काम करा, इट्स जस्ट I don't understand, and you know what? It's going to impact on the players. आप ये जो workload management की बकवास कर रहे थे आप शुरू में इन players की कि नसीम शाह को हम 100 में नहीं खेलने देंगे because हमने workload management करनी है, उसे आपने वैसे ही एक test खिलाया दूसरे में drop कर दिया, तो ये आपकी बहुत जबरदस्त workload management हो गई.
एक टेस्ट उसने खेला है 13 महीनों में, 14 महीनों में. अभी जो पाकिस्तान का स्केड्यूल है, ये टूर्नामेंट खत्म होगा 29 सितंबर को, और फिर आई थिंक 3 या 4 से आपकी इंग्लैंड की सीरीज शुरू होनी है, लाइक उसकी प्रेपरेशन शुरू होनी है, कैंप शुरू होना है. एंड दे एक्सपेक्ट ऑल पाकिस्तान सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स टू बी प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट, यानी ये नॉन निगोशियबल है. फखर जमान का कॉन्ट्रैक्ट सीपीएल पे इन लोग ने कट शॉर्ट करवाया है बिकॉज ही हैज टू कम बैक एंड प्ले इन दिस चैंपियंस कप. अच्छा, इस चैंपियंस कप की कौन सी इतनी अहम, कोई 50 50 ओवर की क्रिकेट आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, लेकिन यू नो दैट स्टिल दैट्स फेब. आप अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में खेल रहे हैं, फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके दरमियान आपको 7 टेस्ट और खेलने हैं बिफोर दैट चैंपियंस ट्रॉफी हैपेंस, यू नो. तो आई मीन कहाँ से ये प्रेपरेशन है उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. आप प्लेयर्स की अर्निंग्स अगेन आप हिट कर रहे हैं, यू नो, आपने नसीम की अर्निंग्स हिट करी है, आपने शाहीन, बाबर, रिजवान की करी है, आपने उसामा मीर बेचारे की करी है, द वर्स्ट वन ऑफ दम ऑल, उसामा मीर को आपने जो एनओसी नहीं दिया था, अब आप फखर जमान को आपने वापस बुला दिया है सीपीएल से कि आप आके चैंपियंस कप में खेलें, जिसका अभी तक इन्होंने ब्रॉडकास्टर अनाउंस नहीं करा है, अभी तक कोई कमर्शियल पार्टनर ऑन बोर्ड नहीं आया है, शायद आ जाए बिकॉज चेयरमैन के भी कॉन्टैक्ट्स हैं माशाल्लाह, ही इज नॉट एन अनइन्फ्लुएंशियल गाय इन दिस कंट्री, तो कहीं से कुछ ना कुछ आ जाए. लेकिन यू नो पॉइंट क्या है इस टूर्नामेंट का, मुझे कोई ये बता दे कौन सा गैप ब्रिज हो रहा है, कौन सा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का गैप ब्रिज हो रहा है, जो यू नो मेंटोर्स के थ्रू और वही प्लेयर्स जो ये जो हमने स्क्वाड लिस्ट, एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड लिस्ट देखी है टूर्नामेंट की, उसमें से कितने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मूव हो चुके हैं यूएस, लाइक दीज आर दोज क्रिकेटर्स हु हैव गिवन अप ऑन क्रिकेट इन पाकिस्तान एंड मूव टू द यूएस. जो यूएसए ऑफर कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट्स एमएलसी के लिए और अपने क्लब क्रिकेट में खिलाने के लिए, वो मूव हो चुके हैं. कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने ऑलरेडी नो कह दिया है. आपने ऐसा एक कॉन्सेप्ट करा है कि अहमद शहजाद इज लुकिंग लाइक द मोरल राइचियस हीरो इन दिस एंड यू गाइस आर लुकिंग लाइक द लूजर्स. अहमद शहजाद वाज इन द स्क्वाड फॉर वन ऑफ द टीम्स एंड ही इज पुल्ड आउट सेइंग कि नो आई विल नॉट प्ले दिस टूर्नामेंट. सोहेब मकसूद बेचारा कह रहा है कि आपने 35 साल उम्र के ऊपर से प्लेयर्स को आपने क्या मरवा दिया है, क्या उनका उनका हक नहीं बनता है डोमेस्टिक करियर करने का, यानी आर वी ऑल सपोज्ड टू रिटायर एट 35 बिकॉज दैट सक्स. तो यू नो आई मीन लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक फॉर गॉड सेक गाइस, लाइक फॉर गॉड सेक, एंड टू शू हॉर्न इट इन टू योर बिजिएस्ट कैलेंडर इन ईयर्स जस्ट टू मी सीम्स लाइक यू नो हियर आर सम पीपल हु आर रनिंग द गेम हु नो एब्सोल्युटली ब्लीप ऑल अबाउट द गेम. आई मीन, और इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाह रहा था कि जो इसमें आप चैंपियंस कप और इन सारी चीजों पे जो अपनी तवज्जो डाल रहे हैं, पीएसएल में जहां तक आखिरी मैंने सुना था, मिस अभी जो उनका बोर्ड के अंदर जो डिपार्टमेंट है, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड वाज आइदर देयर इज नो वन इन इट और देयर इज वन पर्सन वर्किंग इन इट, एंड दिस इज द पीएसएल जो रमजान की वजह से आईपीएल के खिलाफ आएगी. तो यू नीड टू लाइक यू नो देयर इज अ वर्ल्ड इन विच यू कैन डू अ सक्सेसफुल पीएसएल अलॉन्ग साइड द आईपीएल, एंड इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ रियली अमेजिंग मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट मूविंग पार्ट्स एंड अ लॉट ऑफ लक फॉर दैट टू हैपन. बट यहाँ पे लाइक यू आर लिटरली ट्राइंग टू बर्न इट डाउन टू द ग्राउंड, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी टू सी, टू बिल्ड समथिंग. जो जैसा कि वही कहा कि मतलब अहमद शहजाद ने जहां तक मैंने सुना है इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में है कि आप YouTube शोज और ऐसी चीजें नहीं कर सकते. तो यू नो लाइक यूर लाइक यू कॉन्ट बी, यू हैव टू बी अंडर 35 एंड यू कॉन्ट हैव एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आउटसाइड ऑफ क्रिकेट. और जो इन मतलब क्रिकेट में जो आपको ये लिमिटेड के टाइम के लिए सीपीएल और G20 और 100 के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ है आपको परस्यू करना, वो भी नहीं करने देंगे आपको, सो दैट यू प्ले दिस स्टूपिड टूर्नामेंट जहां पे आपको कोई खास पैसे भी नहीं बन रहे, ना ही आप इंटरनेशनल, मतलब यू नो एज यू सेड लाइक इट्स नॉट लाइक द चैंपियंस कप का पूल इज मेड अप ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स, इज बीइंग प्लेड ऑन सम कंप्लीटली ब्रांड न्यू कंडीशंस और व्हाटएवर व्हाटएवर. इट्स लिटरली द एग्जैक्ट सेम शिट एज बिफोर, जिसको आपने यू नो डबल मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी रीनेम एंड ये करके आपने डाल दिया, एंड यू आर कॉलिंग इट दिस ग्रेट अचीवमेंट, बट रियली जस्ट लाइक स्टैलियंस और वुल्व्स और डॉल्फिन्स करके इट्स नॉट वेरी गुड. एंड आई वॉन्टेड टू ऐड वन मोर थिंग, आई एम रियली सॉरी काफी देर से मैं बात कर रहा था, बट
the level of this board can also be understood by the company that was sponsoring this test match series. Like, I'll try and find a link and put it down there. मतलब ये पिछले 10 साल से पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्रीएमिनेंट स्कैमर्स हैं, जिसमें अर्तुगुल को भी इन्होंने स्कैम किया, शाहिद आफरीदी ने मतलब ट्वीटें निकाली कि भाई मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लग चुके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया है. और अभी बिकॉज आई गॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक व्हाट द हेल इज अ पर्पस बिल्ट टूरिज्म सिटी, लाइक आई हैव नेवर, दिस इज द मोस्ट जार्गन फिल्ड नथिंगनेस, लाइक इट साउंडेड सो शेडी. एंड देन पता भी चला कि मतलब शेडी तरीन लोग जिनके ऊपर हर किस्म के घिनौने इल्जाम आते हैं वो इस सीरीज को स्पॉन्सर करते हैं. दैट्स हु द बेड इज द बोर्ड इज गेटिंग इन बेड विद. सो इट्स जस्ट एन एब्सोल्यूट. एंड यू नो, just to go back to your PSL point, by the way, and who they're trying to get out of bed with is the PSL, right? Which let's break this down. The franchise fees that the six franchises pay to the PCB every year are probably fetch them around $15 million, 15, 17, 18 million dollars a year. So PCB gets that from the franchise without doing anything. More rights have been sold. So they're getting that money every year. That's, you know, and the PCB's biggest source of income at the moment is the new ICC rights money, which is like $34 million a year, which until last year was like $16 million a year. So jo aapko ICC se mil raha tha, wo aapko sirf PSL ki franchises se mil raha hai. Theek hai na? Ab wo ICC ka badh gaya. Then you have a broadcast deal, which I think the last one was about $24 million for 2 years. And so the next one or the current one is around that figure. So again, that's another 10 to $12 million a year. So this is a product that is already built for you. It's running effectively by itself, even though it's one person running, like one guy in the PCB running it or whatever. This is a product that is ready built. It has a reputation. It has a brand. It has a certain cachet and value in the international market. It's now doing something bold, I believe, which is, you know, it's trying to break out of a calendar issue that it can't do much about. Ramzan ki issue ke baare mein kuch nahi kar sakte. So they're taking the bold way and they're going, okay, we're going to go into that window where nobody has ever gone before. Boldly go into that window. Ye aapko har saal ke basically kitna ho gaya? 20-25 million dollar bana raha hai. Uski wajah se aapke reserves theek thaak PCB mein badh gaye over the last few years. This is the product that you're actively cannibalizing and downplaying and trying to strip to its bare bones. You're constantly fighting with the franchise owners. Hamesha wo tape rehte hain, hamesha kuch na kuch tension unke saath rehta hai. Unke saath aapne ye kara hai aur aap aise paise, you know, bahar rahe hain ke like it's going out of fashion. Aur aap paise kharch kar rahe hain in sab cheezon pe. Ye Champions Cup ki kya value hogi, kya isse niklega, kisi ko kuch nahi pata. Jabki aapke paas, and I know a lot of people will argue against this or comments mein, you know, the people might go crazy ki PSL ki koi value nahi rahi hai, PSL ne barbaad kara hai Pakistan cricket ko. That's crap. Like, literally speaking, very factually speaking, the PSL has helped you stay afloat, survive and thrive despite not playing like 10 years of international cricket at home and despite not playing against India. It has helped Pakistan cricket like survive and thrive to a degree. So, you know, let's not even go down the player development. So, baat hi main nahi kar raha hu ki kaun se players aaye hain, kaun se nahi aaye hain. This is what it's done for you. And this is the product that is yours that you don't seem to give a damn about. Ki bhai chalo PSL, main Champions Cup karunga. So, you know, it's just astonishing to me. Mera, I can't get my head around it. Mujhe samajh mein nahi aa raha hai ki yaar agar कभी होगा नहीं है जिंदगी में, अगर मैं चेयरमैन होता या मुझे कोई कहता कि यार आप चेयरमैन बन जाए, शहबाज शरीफ से आ जाए एक SMS आ जाए कि सर आपकी वीएम देखनी है मुझे, आप चेयरमैन बन जाए, मैं अगर चेयरमैन बनता ना तो आई वुड लाइक लुक एट द PSL एंड आईड बी लाइक डैम दिस इज माय ग्रेवी ट्रेन मैन, आई नीड टू लेट दिस ट्रेन फ्लो एंड गो एज फास्ट एज इट कैन सो दैट आई कैन कीप ब्रिंगिंग दैट मनी इन सो दैट आई कैन मेक द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट लुक गुड. Man, I mean, it's like agar PCB is batting, right? So it gets just organize the PSL every year, like a half full toss even, you know, or PCB well.
Okay, organize a women's PSL. You've got a huge, huge interest and a huge talent pool, huge win. Introduce that half volley, well left. आपके पास यू कैन यू हैव लाइक दिस अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ लाइक जस्ट ऑर्गेनाइजिंग योर क्लब लेवल्स, योर स्कूल लेवल, योर सो मेनी लेवल्स जहां पे क्रिकेट खेली जा रही है. इट्स बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. Just step in there, you've seen success with like your blind cricket teams, your differently abled teams. Like invest इनमें सिर्फ लाखों के खर्चे करते हैं, करोड़ों की भी बात नहीं है. और आप चीजें दीज आर ऑल वो सारी वेल लेफ्ट करते हैं. हाउ अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू टूर्नामेंट दैट कैनिबलाइजेस एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ब्रांड्स वाइल रिसाइकलिंग ओल्ड फ्रिकिंग ब्रांड्स. लाइक लिटरली लाइक बाउंसर पे रिवर्स स्वीप करना है. वो शॉट आपके पिछले 3 बोर्ड्स खेलने की कोशिश किए जा रहे. एंड इट्स जस्ट यू आर लाइक ड्यूड दिस इजंट लाइक दिस दिस इजंट मेक बिलीव. दिस इजंट लाइक समथिंग हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज. दिस इज रियल लाइफ एंड मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ पीपल रियली केयर फॉर दिस स्पोर्ट एंड देयर लाइवलीहुड्स आर लिंक्ड टू दिस स्पोर्ट. और फॉर दिस एंटायर क्लास ऑफ पाकिस्तानी इट्स द ओनली वे कि इस मुल्क में आप लीगली गरीब होने से अमीर हो सकते हैं. इट्स लीगली यू कैन फाइंड अ वे इन टू सोसाइटी दैट काइंड ऑफ चेंजेस योर इकोनॉमिक एंड सोशल फ्यूचर. लिटरली द ओनली थिंग. और इसको भी आप इतनी बेवकूफी के साथ डील कर रहे हैं. इट्स वाइल्ड. एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट्स ऑब्वियसली ऑन द पीपल हु डू दिस. इट्स ऑब्वियसली ऑन द गवर्नेंस. बट इट इज ऑल्सो ऑन द मीडिया फॉर श्योर एंड मे बी इवन द फैंस के लाइक यार आपके मुल्क में और कुछ हो, कोई और स्पोर्ट है भी नहीं. थोड़ा तो जरा गौर से देखें कि चल क्या रहा है. लाइक गेट आउट ऑफ द तू तू मैं एंड ये हो गया, उसने ये बोला, उसका ये इतना फलाना ढकाना. लाइक दीज आर ह्यूज स्ट्रक्चरल इश्यूज दैट हैव बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और शायद पहले आप इस पर सोचते नहीं थे, बट सिंस द टेररिज्म अटैक्स, सिंस द फॉल आउट विद इंडिया, सिंस इवन समथिंग लाइक कोविड, लाइक यू हैव टू रियली रियलाइज कि दुनिया बदल गई है भाई. अगर आप अभी से नहीं कुछ सेटअप करेंगे तो यू कैन नॉट गारंटी दैट यू विल हैव दिस स्पोर्ट अराउंड व्हेन यू कीप मेसिंग अप स्टफ लाइक दिस. एक एक मैं आखिरी चीज कहूंगा बिकॉज़ वी एक्चुअली वी गॉन टू सम लेंथ इन दिस एपिसोड. आज सुबह ही मैं एक क्रिक इन्फो के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था जस्ट आफ्टर दिस लुकिंग एट द सीरीज एंड ऑल. एंड आवर होस्ट द होस्ट वाज लवली गाय हु वर्क्स फॉर अस कॉस्ट द इंडियन गाय. एंड मैं और दानियाल से बता रहे थे कि यार पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में ये हुआ है, ये हुआ है और ये करा है उन्होंने और ऐसा करा है और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो इट वॉज अ ब्रिलियंट आउटसाइड परस्पेक्टिव, लाइक फ्रेश आईज. हाँ, एंड उसे थोड़ा बहुत पता है, बट द डिटेल ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन नोज द डिटेल ऑफ द डिटेरियरेशन व्हाटएवर. तो वो कहता है कि यार फॉरगेट लाइक द रिजल्ट ऑफ द सीरीज, इट्स अ मिरेकल दीस बॉयज एक्चुअली टर्न अप एंड प्ले फॉर पाकिस्तान. एंड आई वाज लाइक डैम यूर एक्चुअली राइट. इस इन हालात में जिस तरह से ये ट्रीट होते हैं प्लेयर्स, अभी भी जिस तरह से ट्रीट होते हैं, पीसीबी ट्रीट्स प्लेयर्स टेरिबली यार. एक वो पुराने जमाने के जो पेरेंटिंग हैबिट्स होती थी उस तरह से ट्रीट करते हैं कि डांटो और डंडे पे रखो और बस इन्हें दबा के रखो कि इन्हें कुछ एकदम ग्रो ना करने दो, उन्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, अपनी हैसियत इन्हें दिखाओ, ये सब बकवास. उस तरह से ये बोर्ड भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है. और पिछले 2-3 बोर्ड से ये चल रहा है, ये ऐसे ट्रीट कर रहा है. सो यू जस्ट वंडर एंड इट गोज बैक टू व्हाट वी वर सेइंग अबाउट बाबर एंड शाहीन कि यार इट मे बी इज लाइक अ माइनर मिरेकल दैट 11 ऑफ देम टर्न आउट एंड प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश. लाइक फॉरगेट लूजिंग, बट इट्स अ माइनर मिरेकल दैट दे टर्न अप एंड दे से कि हाँ हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे एज एम्प्लॉइज ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. वी विल प्ले फॉर पाकिस्तान फॉर अ पिटेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्रीट्स अस लाइक क्रैप. In front of empty stands because the organization that treats us like crap can't be bothered to schedule matches in such a way and in such places where we can actually afford to bring people into the stadiums. And we'll play them at such gaps that, some of us have almost forgotten the game the next time we play it. It is a minor miracle that they're turning up. And maybe that's the way we should start looking at this. Ki yaar, har baar jo Pakistan field pe aata hai, ye ek choti si jeet hai. 100% man. एंड आई थिंक इन फैक्ट इसकी भी हम लोग वी गॉटन टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि कुछ सालों पहले तक तो ये भी नहीं हो रहा था. जो भी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही थी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही थी. द फैक्ट दैट वी हैव इट बैक मीन्स दैट देयर इज
we should value it a lot more, but people who run it should value it a lot more. I think that's the point. The people who run the game should value it a hell of a lot more than they value it right now. Anyways, that is beta fast for this week, fortnight, whatever. Hopefully we'll be back soon. I think we should do a daily show for the Champions Cup. We should do back episodes for the Champions Cup. We should do like a mentor watch. हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे आज मेंटोर ने क्या करा है जबरदस्त देखा मिसबाह हक ने अपनी थोड़ी सी दाढ़ी ट्रिम कर दी है आज अमेजिंग मेंटरशिप